અને સમાચારમાં હવે વાત નગર યાત્રાની તૈયારીઓની. તો અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથની 145મી રથયાત્રા આજે સરસપુરમાં ઉત્સવનો માહોલ જોવા મળ્યો. મામાના ઘરે આજે ભગવાનનું મોસાળ દર્શનનો ઉત્સવ. મોસાળ દર્શન માટે પોળમાં મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ પણ ઉમટી હતી. અમદાવાદ જગન્નાથનું મોસાળું કરવાનો લાવો મળ્યો છે પટેલ પરિવારને. 10 વર્ષ બાદ પટેલ પરિવારને મળ્યો છે લાવો. પટેલ પરિવાર આજે મંદિરમાં ઉપસ્થિત રહ્યો. तो भगवान जगन्नाथ की 145મી रथयात्रा पहला मोसाळना दर्शन आपने करावी रहा है. न्यूज़ 18 गुजराती पर आप जोई रहा छो. पटेल परिवार द्वारा जे उत्सव ने वधावामां आव्यो छे 10 वर्षनो समय तेओने लागी गयो ते वात पण तेओए करी. सरसपुर में आज उत्सव नो माहौल है. न्यूज़ 18 संवाददाता दीपिका पण अमे से जोड़ाई गया है. दीपिका, उत्सवना माहौल में केवी रीते सहभागी थई रह्या छो आप अने केवो हाल में माहौल जोवा मळी रह्यो छे? સરસપુર મૂળ વાસીઓ છે તેઓ જન અર્જુના સાથે મંદિરમાં એકત્ર થયેલા જોવા મળી રહ્યા છે. દીપિકા, સ્વાભાવિક રીતે મોસાળમાં આપ હોવ કે હું હોઉં, મોસાળની અંદરની મજા જ કંઈક અલગ છે ને આ વખતે 2 વર્ષનો સમય થઈ ગયો. ખુદ ભગવાનને પણ આવી મોસાળની મજા મળી શકે ફરી એક વખત, તો તેને લઈને ઉત્સાહ પણ વધુ હશે. આજનો દિવસ કેવો છે? સોના કરતા મોંઘો છે. આજનો દિવસ કેવો છે? સોના કરતા મોંઘો છે. આજનો દિવસ કેવો છે? સોના કરતા મોંઘો છે. અને મોટી સંખ્યાની અંદર મહિલાઓ છે તે એકત્ર થઈ છે. તેમને પણ પૂછવાનો પ્રયત્ન કરીશું કારણ કે તમામ લોકો જે ઉત્સાહથી આજે મોસાળામાં જોડાયેલા છે ત્યારે અહીં ભજન કીર્તન સાથે મંદિરની બહાર આપ જોઈ રહ્યા છો મોટી हाल में जो दृश्यों आप बता रहा छो जो उत्सव माहौल जवा सरसपुर में भक्तिमय आ माहौल है। मोटी संख्या में महिलाओं पहुंची है। अंदाजित आ 2 वर्षनो समय कि कोरोना काल में गयो तमाम लोगों ने ए मौसम मजा न मिली, तमाम लोग आज उत्साह साथ त्यां आगे पहुंचा है। मोटी संख्या में महिलाओं पण जोवा मळी रही है। भगवान जगन्नाथ ने रथयात्रा की तैयारी चाली रही है, त्यारे काड़ी रोटी धोड़ी दाळनु पण विशेष महत्व होय छे। काड़ी रोटी और धोड़ी दाळ एटले कि मालपुआ और दूध पाकनो प्रसाद है, ते भगवान जगन्नाथ ने धरवामां आवे छे। साथे ज 365 दिवस मालपुआनो प्रसाद है, ते मंदिर में भक्तों ने आपवामां आवतो होय छे। त्यारे आ मालपुआनुं विशेष महत्व एटला माटे बनी रह्युं छे कि आ पौष्टिक आहार है और भक्तों जे पण आवे तेने प्रसाद मळी रहे, पौष्टिक प्रसाद मळी रहे, ते माटे मालपुआनुं विशेष महत्व है ते रह्युं छे। वर्षोथी ज्यारथी पण आ जगन्नाथ मंदिर बन्युं छे त्यारथी मालपुआनो प्रसाद है ते भक्तों ने आपवामां आवे छे। अत्यारे पण मालपुआ है रोजे रोज तैयार थता होय छे, परंतु लाखों की संख्या में लोग जगन्नाथ भगवान ज्यारे नगरचर्याए निकले छे अने नगरचर्या दरमियान पण भक्तों छे तेमनी साथे छे ते जोड़ाता होय छे, त्यारे पण प्रसाद छे ते आपवामां आवतो होय छे। परंतु दरेक विधि में जे भक्तों जोड़ाता होय छे त्या मंदिरे आवे छे तेमने मालपुआनो प्रसाद आपवामां आवे छे अने अत्यारे मालपुआना प्रसादनी तैयारीओ छे ते चाली रही छे। केमेरामेन पंकज मकवाणा साथे विभू पटेल, न्यूज़18 गुजराती, अमदावाद। तो अमदावाद जगन्नाथ मंदिर गादीपतिओं ने एक ज ध्येय रह्यो छे कि भूख्या ने भोजन और तरस्या ने पाणी आपवुं। अहीं वर्षोथी 365 दिवस भक्तों ने मालपुआ और दूधपाकनो प्रसाद अपाय छे। मंदिर भंडारा में मालपुआ और दूधपाक उपरांत बूंदी गांठियानो पण प्रसाद अपाय छे। रथयात्रा बाद श्रद्धालुओं भगवान ने प्रिय आ प्रसाद लई धन्यता अनुभवे छे। भगवान जगन्नाथ जी ने मासना दिवसे सवारमां मालपुड़ा और दूध पाकनो भोग धरावामां आवे छे, जेने काळी रोटी और धोळी दाळ कहेवाय छे। आम तो आ प्रसाद आखा वर्ष मंदिर में वेचवामां आवे छे अने ए दिवसे खास मासना दिवसे वेचवामां आवशे। तो भगवान जगन्नाथ की 145મી रथयात्रा ने लईने अमदावाद पुलिस कमिश्नरे प्रेस कॉन्फरन्स योजी। रथयात्रा ने लई पोलीस तंत्र सज्ज छे, कोमी एकता जळवाय ते माटे बैठकनुं आयोजन करायुं। संवेदनशील विस्तार में तंत्र वडे चापती नजर रखाशे। 25,000 थी वधु जवानों ने 5,725 होमगार्ड यात्रा में खड़े पगे रहेशे। ते उपरांत एसआरपी की 19 कंपनी, पेरामिलिटरी, चेतक कमांडो पण यात्रा में जोड़ाशे। यात्रा में पत्थरमारानी घटना न बने ते माटेनुं आयोजन करायुं छे। आईजी और डीआईजी रथयात्रा पर नजर राखशे। बॉडी ऑन कैमेरा थी असामाजिक प्रवृत्ति पर पण नजर राखवामां आवशे। रथयात्राना पगले शहर पर सतत 2 महीना थी ड्रोन थी नजर रखाई रही है। एएसपी अने एसीपी कक्षाना मतलब डीवायएसपी जे छे आ 86 अधिकारी, पीआई ना 230, सब इंस्पेक्टर 650, एएसआई, हेड कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल एलआरडी जे छे करीब 12,000, 19 एसआरपी कंपनीज, सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्सेस करीब 22 कंपनी जेमा आरएएफ नी 4 कंपनी, होमगार्ड करीब 6,000 होमगार्ड, बीडीडीएस नी अमे 10 टीमों लगाड़शूँ। डॉग स्क्वॉड पण कार्यरत रहेशे, 13 डॉग स्क्वॉड नी टीम छे। एटीएस नी पण टीम अमदावाद शहर पुलिस नी साथे काम करी रही छे, एमनी टीमों पण हशे। माउंटेड पुलिस एटले घोड़े सवार आ करीब 70 जेटला लोकोने डिप्लॉय करवामां आवशे। अन्य खबर पर नजर करिए। गिरनार ने फरते योजाती परंपरागत दूधधारा परिक्रमा आज सवारथी प्रारंभ थयो छे। 70 वर्ष पहला दुकाळ जेवी भयंकर परिस्थिति में गिरनारनी फरते जीणा बाबानी मढी, माळवेला अने बोरदेवीना 36 किलोमीटरना रूट पर दूधनी धारा वहावीने भगवानने सारा वरसाद माटे प्रार्थना करवामां आवी हती। आ परिक्रमा विश्व हिंदू परिषद, साधु संतो, धार्मिक संस्थाओं ने अनेक ज्ञाति समाजना आगेवानो सहितना लोको जोड़ाया हता। गरवा गिरनारनी गोदमां लीली परिक्रमा साथे दूधधारा परिक्रमानो पण अनेरो महिमा रह्यो छे। कि छेल्ला लगभग 70 वर्षथी दूधधारानी परिक्रमा है ए थई रही है और ए समय जैसे दुष्काळ पड़ेलो त्यारे दूधधारा परिक्रमा करवी। आ परिक्रमा कर्या पछी लोकोनी एक श्रद्धा हती कि દુષ્કાળમાંથી રાહત મળે અને ખૂબ સારો વરસાદ થાય. દૂધધારાની પરિક્રમા શરૂ કરી અને પરિક્રમા અડધે પહોંચી ત્યાં જ ખૂબ સારો વરસાદ પડ્યો અને ત્યારથી એવું માનવામાં આવે છે કે છેલ્લા 70 વર્ષ જૂનાગઢમાં ક્યારેય દુષ્કાળ પડેલો નથી. લોકોની શ્રદ્ધા જોડાયેલી છે. સંભવતઃ 70 વર્ષ જેવું થયું છે આ પરિક્રમાને અને એ સમયની અંદર ત્યારે દુષ્કાળ પડેલો અને રેન્જર સાહેબ ભગવતસિંહ બાપુ રાઠોડ કરીને રેન્જર હતા ત્યારે એ 30 વખતે બાપુને ત્યાં બેસતા અને લક્ષ્મણગીરી બાપુને ત્યાં એની વાત કરેલ કે આજે દુષ્કાળ છે બાપુ આ વર્ષે તો આપણે દૂધધારા પરિક્રમા કરીએ. ત્યારે ભવનાથના હળે મળે ને બધાએ આ દૂધધારા પરિક્રમા ચાલુ કરી ત્યારે રસ્તામાં જ વરસાદ આવેલો અને ત્યારની આ દૂધધારા અવિરત ચાલુ છે, ક્યારેય બંધ નથી થઈ.